बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। CS 605 की असाइनमेंट नंबर 3 है, जिसकी ड्यू डेट है 10 फरवरी 2022। इसका कोई सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, जो कि हमें टेबल में सिर्फ उसके जो है ओनली इंडेक्स नंबर लिखने हैं। सिर्फ उन्होंने हमें जो है एक टेबल दिया हुआ है। यू आर रिक्वायर्ड टू चूज़ द मोस्ट सूटेड नेम टर्म अगेंस्ट ईच डिस्क्रिप्शन गिवन इन द टेबल बिलो टेबल। यू आर रिक्वायर्ड टू ओनली इंडेक्स नंबर, सिर्फ आपने इंडेक्स नंबर लिखने हैं। नो अल्फ़ाबेट यूज़ नहीं करना ऑफ नेम टर्म्स। नेम टर्म्स वाली साइड पे आपने कोई अल्फ़ाबेट यूज़ नहीं करना, सिर्फ इंडेक्स नंबर लिखने हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नोट है कि सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू अबव गाइडलाइन विल बी एक्सेप्टेबल ओनली। जो उन्होंने हमें गाइडलाइन दी हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें जो है सॉल्यूशन अपना सबमिट करवाना है। नेम टर्म्स उन्होंने हमें दे दिए हैं, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, क्वालिटी कंट्रोल है, सॉफ्टवेयर टीम है, फीडबैक लूप है, अम्ब्रेला एक्टिविटी है, SQA ग्रुप है, क्वालिटी एश्योरेंस है और ही इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स है। ठीक है, जो टेबल है आंसर शीट का, ये आपको क्वेश्चन में सेम एज इट इज़ ऐसे दे दिया गया है। आपको सिर्फ नेम टर्म्स के जो हैं यहाँ पर आपको सिर्फ नंबरिंग लिखनी है, अल्फ़ाबेट नहीं लिखने। सेम एज इट इज़ आपको नंबरिंग लिखनी है, जो कि उन्होंने डिस्क्रिप्शन में हमें ये जो है क्वेश्चन हमें दिया है डिस्क्रिप्शन में सेम ऐसे ही जो है लिखा है। तो हमने यहाँ से सर्च करना है कि ये जो है ये किस अकॉर्डिंग है। यहाँ इन्होंने जो हमें नेम टर्म्स दिए हुए हैं, 8 नेम टर्म्स हमें दिए हैं, इसमें से किस से रिलेट करता है। ठीक है, ये जो है फर्स्ट हमारा वो हमारे पास जो है वो 7 यानी कि क्वालिटी अश्योरेंस से रिलेट करता है। तो हमने जो 7 है और इसका जो इंडेक्स नंबर है वो हमने 7 यहाँ पर लिख देना है। सेकंड जो उन्होंने हमें दिया हुआ है, ये हमने देखना है ये किस चीज़ से रिलेट करता है। जो नेम टर्म हमें दिए हैं ये बताया गया टू एवोल्यूट एंड ट्रैक कन्फर्मेंस ऑफ वेरियस इंजीनियरिंग एक्टिविटीज़ विद देयर ऑलरेडी डिफाइंड एंड फॉलोड सॉफ्टवेयर प्रोसेस फॉर अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। ये यहाँ पे जाके देखना है कि किस चीज़ से रिलेट कर रहा है। तो अम्ब्रेला एक्टिविटी से ये रिलेट कर रहा है। तो हमने जो इसके आगे नेम टर्म लिखा हुआ है, यानी नेम टर्म्स के आगे जो हमारे पास इंडेक्स नंबर लिखा हुआ है 5, हमने एज इट इज़ जाकर यहाँ नेम टर्म्स में इंडेक्स नंबर 5 लिख देना है। ऐसे ही एज इट इज़ हमने नेक्स्ट देखने हैं ये किस चीज़ से रिलेट करता है। ये हमारे पास 8 से रिलेट करता है, हमने वैसे ही जो इंडेक्स नंबर है वो लिख देना है। देन हमने देखना है ये हमारे पास 2 से रिलेट करता है। ये बिल्कुल आपके रॉन्ग नहीं होना चाहिए, एज इट इज़ आपको ऐसे ही राइट करने हैं यहाँ पर ट्यूशन अपने में, क्योंकि अगर ये एक आधा आगे पीछे हो गया या फिर ये आपको बहुत ध्यान से सेम एज इट इज़ जो है ऐसे ही आपको अपने इंडेक्स नंबर जो हैं वो लिखने हैं, इसको आगे पीछे नहीं करना। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास 2 से रिलेट करता है। जो उससे नेक्स्ट है वो हमारे पास 1 इंडेक्स नंबर है, यानी 1 से रिलेट करता है। नेक्स्ट जो है वो भी हमारे पास 1 से रिलेट करता है। ये हमारे पास सेम हो सकते हैं, यानी ये भी 1 से रिलेट कर सकता है, ये भी 1 से रिलेट कर सकता है। ये जो है जैसे ये 8 से रिलेट करता है तो ये भी 8 से रिलेट करता है। आपको अपने इंडेक्स नंबर चेंज नहीं करना है, जो उन्होंने टेबल दिया है एज इट इज़ वहाँ से कॉपी करके अपने सॉल्यूशन में पेस्ट करके सेम आगे जो इंडेक्स नंबर हैं ये सेम ऐसे ही आपने अपने सॉल्यूशन में जो है वो लिख देने हैं। ठीक है, उसके बाद जो है 3 से रिलेट करता है ये वाला, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चूजिंग द प्रोसेस टू बी फॉलोड इन ऑर्डर टू कम्प्लीट अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। ये हमारे पास 3 से रिलेट करता है। उसके बाद ये 6 से रिलेट करता है, एज इट इज़ इंडेक्स नंबर ऐसे लिखते जाएगा। 4 से रिलेट करता है एंड देन लास्ट जो है 8 से रिलेट करता है। 8 उन्होंने हमें इंडेक्स नंबर दिए हैं और साथ में हमें डिस्क्रिप्शन दे दी है, तो हम देखकर सेम एज इट इज़ जो है ये सॉल्यूशन में सिर्फ हमें इंडेक्स नंबर जो है एज इट इज़ ऐसे ही लिख देने हैं। आप वहीं से टेबल जो है कॉपी करके सॉल्यूशन में पेस्ट करके आगे उस नेम टर्म्स की जगह ये इंडेक्स नंबर लिख दीजिएगा और अपने सॉल्यूशन को सबमिट करवा दीजिएगा। ये बेहद इजी सॉल्यूशन है 605। वैसे भी सारी असाइनमेंट्स बहुत इजी आती हैं और सारी असाइनमेंट्स इन्हीं डिस्क्रिप्शन और नेम टर्म्स पर होती हैं, तो आप इनको एक बार देख लीजिए अच्छे से और ऐसे ही अपने सॉल्यूशन को सबमिट करवा दीजिएगा। उसके अलावा जो जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।